नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। और लोकसभा चुनाव का खुमार हर तरफ है और इस वक्त जो यूपी लाइव टीवी की टीम है वो आजमगढ़ में है। और इस वक्त जो हमारे साथ हैं वो हैं सिंह साहब। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंह साहब इस वक्त मौजूद हैं। वैसे तो ये चुनाव में नजर नहीं आते लेकिन आज हमें नजर आ गए। बता दें, भोजपुरी इंडस्ट्री के नामचीन कलाकार, वैसे तो पहले खलनायक थे, अब इनके एक बेहतरीन डायरेक्टर मिल गया, प्रोड्यूसर, उन्होंने इनको नायक बना दिया और सिंह साहब बना दिया। देव जी कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? सर, ये कैसे हुआ चुनाव? बस मुझे लगा कि दिनेश जी, जितने भी हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे पवन जी भी खड़े हैं, दिनेश जी हैं, रवि जी हैं, मनोज जी हैं, तो मुझे लगता है कि मैं भी अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ उस चुनाव में, मैंने अपने हिसाब से वो करने की कोशिश की है। तो मैं भी आया हूँ इस चुनाव के मेले में, अपना एक जो मेरे से हो सकता है मैं वो करने आया हूँ। और मैं भी चुनाव भ्रमण करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि लोगों के दिलों में क्या है। और जिस हिसाब से दिनेश जी ने पिछले कई सालों से काम किया है आजमगढ़ के लिए, ये काबिल तारीफ है। तो मैं भी आया हूँ, बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ, हमारी इंडस्ट्री के हैं हम, इसलिए खड़े हैं। मैं बता दूँ देव जी के बारे में, इनका पूरा नाम देव सिंह है और कई सालों से इंडस्ट्री में हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, कई बड़ी फिल्म का हिस्सा रहे हैं और एक वो कहते हैं ना, एक खलनायक की छवि इनकी बहुत अच्छी मजबूत रही है। उसके बाद इन्होंने अपने किरदार के लेकर कभी समझौता नहीं है और हमेशा कुछ नया ट्राई किया। और हाल ही में एक इनकी फिल्म आई सिंह साहब, जो काफ़ी लोगों को पसंद आया और इनका नाम ही पड़ गया सिंह साहब। और ये आज पहली बार आजमगढ़ आए हुए हैं, पहली बार किसी चुनाव का हिस्सा हुए हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ क्या इन फ्यूचर हम आपको चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं? देखिए, मैं डेस्टिनी पर बहुत बिलीव करता हूँ, किस्मत पर मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैं कभी ज़िंदगी में एक्टर बनने का सपना देखा नहीं था, बट डेस्टिनी मेरे को लेके आई, एक्टर बनाया। जबकि मेरे साथ के लोग थे, जो मेरे दोस्त थे, कॉलेज फ्रेंड थे, उनको अभी तक बिलीव नहीं कि मैं एक्टर बन गया। तो मैं डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करता हूँ, अगर मेरी किस्मत में लिखा हुआ कि मैं राजनीति में आऊँगा तो फिर आ ही जाऊँगा, जैसे भी आना हो, क्योंकि ऊपर वाला आपके लिए क्या रच कर रखा है वो सिर्फ वही जानता है। लड़ने को मौका मिलेगा तो कहाँ से लड़ेंगे सर? ज़रूर, मैं तो चाहूँगा आसनसोल से लड़ूँ, जहाँ से पवन जी ने सीट छोड़ दी थी, मैं वो तो वहीं से लड़ना चाहूँगा। हाँ, या तो बलिया से या तो फिर आसनसोल से। आसनसोल से इसलिए कि मेरा मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे सुनहरे दौर बोलूँ, स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट्स, सब कुछ मेरा वहीं है। आसनसोल से मेरा लगाव आज तक है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त वहीं हैं, मेरे वो दोस्त जिन्होंने हमेशा बुरे वक्त मेरे साथ अपना समय, मुझे हिम्मत दी है, मुझे मेरा साथ दिया है। और मैं चाहता हूँ कि वापस वही एक जगह जहाँ मुझे सुकून मिलता आसनसोल जाके, तो मुझे लगता है कि मुझे अगर वहाँ से टिकट मिले तो मैं तो वहीं से लड़ूँ। क्या बात है, वैसे वहाँ जाने का मौका रह गया लेकिन अब पवन जी ने सीट बदल दी है कारागत से, तो वहाँ जाने का आपका क्या प्लान है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहाँ भी जाना चाहूँगा, क्यों नहीं जाना चाहूँगा। मैंने कहा ना कि हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं जो, देखिए, कोई बड़ी मेहनत से एक जगह सबने बनाई है और बहुत ऐसे लोग हैं जो कई सालों से लगे कि उनको भी वो चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, वो राजनीति में जाएं। कई लोग ऐसे हैं जो काफ़ी सालों से राजनीति में सक्रिय हैं पर उनको वो जगह नहीं मिल पाती। और पवन सिंह के जी के बारे में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हमेशा एक दूसरों की मदद की है, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री से बाहर मेरी भी मदद की है उन्होंने, तो मैं जानता हूँ उनका दिल बहुत बड़ा है, तो बिल्कुल उनको जीतना चाहिए। अभी करंट में कौन सा प्रोजेक्ट सर आपका आने वाला है, उसके बारे में बताइए। अभी तो बहुत फिल्में आ रही हैं, तो फिल्में जो हैं जल्दी जल्दी बन रही, सब चैनल्स में भी मेरी रिलीज़ होगी, भाभी जी घर पर हैं, रिलीज़ होने वाली है। अभी ननद को लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और इसके बाद मेरी फिल्म आएगी हम साथ साथ हैं, फिर आएगी एक बहुत प्यारी फिल्म में भैया राखी के बंधन को निभाना, फिर आएगी सास की डायन है, फिर अभी सासू जी बधाई है और दंस 24 तो गया, दंस आ रही है बहुत अच्छा खेसारी जी के साथ, चिंटू जी के साथ आ रही है शुभ मंगल सौदन, तो ऐसी फिल्में हैं। सिंह साहब भी आ रही है फटाक से, अभी ज़रूर देखिए, मुझे लगता है अगले महीने तक टी वी पर आ जाएगी। जी, तो ये थे हमारे से देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे बात किए। अभी आप फील्ड पे जा रहे हैं तो हम फिर आपसे बात करेंगे और शाम को जरूर मिलेंगे, जानेंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पहला दिन का। बढ़िया, हम लोग बात हमसे हुई है तो भैया एंड भी हम ही से हो। क्या देखिए, हम लोग देसी लोग हैं और गली गांव के गली गली चप्पे चप्पे का सत्तू बहुत मिल रहा है, पिया कि नहीं पिया? अभी पी लूंगा फटाफट, सत्तू पी लूंगा, बेल का शरबत भी पी लूंगा, गन्ने का जूस भी पी लूंगा, कुछ छोड़ूंगा थोड़ी, देसी लोग है ना, नीम का दातुन भी कर लूंगा जहाँ मौका मिलेगा। तो ये गांव घूमना मुझे पसंद है, मुझे खुद गांव घूमना बहुत पसंद है। एक समय था कि गांव हम लोग भाग के जाते थे शहर की, यार कुछ बनाना है, कुछ करना है, अब एक समय ऐसा है कि लोग शहर से भाग के गांव की तरफ आ रहे हैं, तो मुझे गांव बहुत पसंद है। बहुत
बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ देव सिंह जी, जिनसे हमने बात किया, और ये निकल रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। मैं बता दूं कि यहाँ से भाजपा प्रत्याशी जो हैं दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ जी जो अभी सांसद ही हैं, जब उपचुनाव हुआ था तो वही जीते थे, और जो गठबंधन से हैं सपा के जो प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव हैं, कांटे की टक्कर है। क्या अपडेट रहता है वो बताएंगे। बस एक दिन बाद ही यहाँ पे होने वाला है चुनाव, 25 मई को यहाँ पे चुनाव होने वाला है, और देखते हैं, और 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। तो सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे यहीं पे, तो बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन अमर के साथ मैं खुशबू सिंह, आजमगढ़।